विदिशा भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है, जहां से कला, संस्कृति और धर्म की त्रिवेणी पूरे भारत और विश्व भर में प्रवाहित हुई है। भोपाल से 54 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये शहर हजारों सालों के इतिहास को अपने आप में संजोए है। विदिशा रेल और सड़क मार्ग से भलीभांति जुड़ी है। वैसनगर, भद्दिलपुर, भेलसा इत्यादि नामों से जाना जाने वाला शहर प्राचीन ग्रंथों के दर्शान प्रदेश की राजधानी रहा है। जनता के आग्रह पर इस शहर को अपना प्राचीन नाम विदिशा 1952 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रदान किया। विद्वानों का मानना है कि विविध दिशाओं को यहाँ से मार्ग जाने के कारण ही इस नगर का नाम विदिशा पड़ा है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, इसका नाम जो है विदिशा, विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है विदिशा व्या दिशो दिशा, जो विष्णु का ही एक नाम है, तो विष्णु के नाम पर इस नगर का नाम विदिशा पड़ा। विदिशा पर मुख्यतः हिंदू, जैन, बौद्ध और फिर इस्लाम धर्म का प्रभाव रहा है। हमेशा यहाँ सभी धर्म समान रूप से फले फूले, धार्मिक व्यवस्था का कभी यहाँ वातावरण नहीं रहा है। और दो तीन अवसर ऐसे आए कि मुहर्रम और दशहरा त्यौहार एक साथ निकला और बिल्कुल उसी भीड़ में उनके ताजिए निकल रहे हैं और यहाँ दुर्गा जी की झांकी भी निकल रही है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई। सबने बड़े समन्वय से दोनों धर्मों के लोगों ने अपने धर्म का पालन किया। हेलियोडोरस पिलर इस बात का प्रमाण है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में यहाँ सनातन वैष्णव धर्म का प्रचलन था। इस गरुड़ ध्वज या स्तंभ का निर्माण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वैष्णव धर्म ग्रहण करने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जैन ग्रंथों में विदिशा भद्दिलपुर के नाम से वर्णित है, जो 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली बताई गई है। इस तथ्य का संकेत उदयगिरी गुफाओं के पास के क्षेत्र और बीजा मंडल के निकट से प्राप्त भगवान शीतलनाथ का मंदिर है। सिरोंज के निकट धर्मपुर में चंद्रनाथ की प्रतिमा और निसैया जी और महावीर स्वामी की प्राप्त प्रतिमाएं उल्लेखनीय है। जैन महात्माओं के नियमित प्रवास और धार्मिक सभाएं यहाँ के जैनियों को प्रोत्साहित करती है। आज बौद्ध अनुयायियों की संख्या वैसे अधिक तो नहीं है, किंतु कहीं न कहीं कई देशों में इसके प्रचार का श्रेय विदिशा को जाता है। विदिशा में जन्मे सम्राट अशोक के पुत्र महामहेंद्र और पुत्री संघमित्रा एवं उनकी विदिशावासी पत्नी असंधिमित्रा का इसमें बड़ा योगदान रहा है। सांची के स्तूपों के अलावा ग्यारसपुर एवं उदयगिरी में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण चिन्ह पाए गए हैं। विदिशा में सिख और ईसाई धर्म का भी अस्तित्व है। विदिशा में पहले गिरजाघर की स्थापना 1972 में हुई थी और इसके पूर्व 1968 से ईसाई प्रार्थनाएं यहाँ घरों में चलाई जाती थी। यहाँ ईसाइयों की कुल संख्या लगभग 500 है। खजूर की डाल यानी वे परमेश्वर किस्तु से आराधना करते हैं। हमारे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में सिरोंज में एक पुराना इलाका है, वहाँ पर भी हमारा अभी प्रसन्न चर्च है और गंज बासोदा में भी प्रसन्न चर्च है। विदिशा में एक गुरुद्वारा है जहाँ सुबह शाम कीर्तन और पाठ होता है। इस नगर पर कई महान राजाओं ने शासन किया और इस कालावधि में यहाँ के मंदिर निर्माण कला का विकास प्रतिबिंबित होता है और यही इन मंदिरों की विविधता का कारण भी है। विदिशा अंचल में सैकड़ों शक्त मूर्तियां और अन्य ऐतिहासिक महत्व की सामग्री गांव-गांव में बिखरी पड़ी है।
यही कारण है कि विदिशा शोधकर्ताओं और सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ग्यारसपुर, उदयपुर, उदयगिरी गुफाएं, बीजा मंडल मंदिर और बड़ोह पठारी इनमें प्रमुख हैं। विदिशा के उत्तर पूर्व में 23 मील की दूरी पर स्थित है ग्यारसपुर। ग्यारसपुर में एक पहाड़ की ढलान पर बने रमणीय मालादेवी मंदिर में आज भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं स्थापित है, किंतु मूल रूप से ये हिंदू मंदिर रहा है। इसकी दीवारों पर पूर्णघट, कीर्तिमुख, देवी देवता, यक्ष यक्षिणी सुशोभित है। 9वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर प्रतिहार कालीन है। इतिहासकारों का मानना है ये राजा भोज के वंशज उदयादित्य के पौत्र ने बनवाया था। हिंडोला तोरण एक विष्णु मंदिर का तोरण द्वार जो आज खंडर नुमा हो चुका है। तोरण द्वार पर विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध का अंकन होना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंडोला तोरण के रास्ते पर एक भव्य विष्णु मंदिर के मात्र अवशेष बचे हैं, इसे अठखंबे के नाम से जाना जाता है। बज्रमठ मंदिर के 3 गर्भगृह सामान्य हिंदू मंदिरों का अपवाद है। इसमें मध्य गर्भगृह सूर्य को, दक्षिण विष्णु को और उत्तरी शिव को समर्पित थे। वर्तमान में यहां दिगंबर जैनों द्वारा जैन प्रतिमाएं स्थापित की गई है। बरहिट स्टेशन के नजदीक उदयपुर ग्राम से परमार राजा उदयादित्य द्वारा निर्मित एक शिव मंदिर है। ये मंदिर उदयेश्वर महादेव और नीलकंठेश्वर मंदिर के नाम से जग विख्यात है। मंदिर की मूर्तिकला, तोरण तथा महराबे अत्यंत भव्य है। पत्थर पर बारीक नक्काशी और शिखर की बनावट ने विश्व भर में शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं की यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थिति होती है। मेले में गांव के लोग पूरे रंग में ढले नजर आते हैं। कुरवई तहसील के कुल्हर रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है बड़ोह पठारी। ये जगह अपने पत्थरों के लिए जानी जाती है जो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। यहाँ पाए गए मंदिरों के अवशेष बताते हैं कि ये जगह किसी समय में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 9वीं शताब्दी का गडरमल मंदिर वास्तुकला का अनूठा प्रमाण है। 8वीं से 10वीं शताब्दी में निर्मित दशावतार मंदिर विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। ग्यारहवीं शताब्दी के जैन मंदिर को भी भारतीय पुरातत्व ने संरक्षित किया है। यहाँ कुछ गुप्तकालीन विशाल गुफाएं भी अति सुंदर स्थल पर स्थित है। विदिशा में किले अंदर एक बड़े उत्खनन में प्राप्त हुए विजय मंदिर का अपभ्रंशित नाम बीजा मंडल है। इस मंदिर के कारण ही विदिशा का नाम भेलसा पड़ा था। चालुक्यवंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री ने विदिशा पर विजय को चिरस्थायी करने हेतु इस भेल स्वामिन अर्थात सूर्य मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को अनेकों बार लूटा और ध्वस्त किया गया,
औरंगजेब के काल में इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया था। आधा मील लंबे और 105 गज ऊंचे इस मंदिर की गणना देश के विशालतम मंदिरों में की जाती रही है। उदयगिरी गुफाओं की चर्चा विश्व भर में निराली गुफाओं की जाती है। ये 20 गुफाओं का संकुल है जो दो पहाड़ियों और उनकी ढलानों पर निर्मित है। गुफा क्रमांक 1 वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। गुफा क्रमांक 5 में प्रसिद्ध विष्णु के वाराह अवतार का वर्णन है। ये गुफाएं उस समय के शासकों के धार्मिक ज्ञान और कला कौशल का अनोखा संगम है। सन 1976 में मुंशी प्रयागदास विदिशा के प्रभारी थे। इनको विदिशा में एक केंद्रीय मंदिर की आवश्यकता जान पड़ी। इसी वर्ष वैष्णव पंत का सुंदर और बड़ा मंदिर बनवाया गया जो बालाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दालान की छत काफी लंबी चौड़ी है जो बिना शहतीर के ही खड़ा हुआ है। छत को बुद्धिमानी और कौशल से चारों ओर कैची नुमा पत्थरों से इस तरह जड़ा गया है कि पूरी छत अधर में लटकती प्रतीत होती है। 1976 में ही सवाई माधोराव पेशवा के शासनकाल में विदिशा में चौबेजी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। बेतवा और बेस के निसर्गरम्य संगम के निकट चवन ऋषि के तपस्या कुंड पर निर्मित इस मंदिर का नाम चवन तीर्थ से चलकर चरण तीर्थ हो गया। ये शिव का मंदिर है जिसके करीब कई सती खंभे देखे जा सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय मराठों के सेनापति अप्पा खांडेराव को जाता है जिन्होंने इसे सन 1975 में बनवाया था। विदिशा में कुछ और अनूठे धार्मिक स्थल अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे नटेरन तहसील का रावण ग्राम जहां प्राचीन काल से ही रावण की पूजा की जाती है। गांव वालों का मानना है कि इसकी पूजा उन्हें बुरी चीजों से दूर रखती है। वे इस मूर्ति को वैसे ही रखना उचित समझते हैं जिस स्थिति में वो पाई गई थी। मानोरा का जगदीश मंदिर भी ऐसा ही एक धार्मिक महत्व का स्थल है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के दौरान जिस एक दिन वहां मंदिर के द्वार बंद रखे जाते हैं उस दिन भगवान अपने भक्त से मिलने मानोरा आते हैं। मानोरा के उसी भक्त ने सालों पहले ये मंदिर बनवाया था। यहाँ उसी दिन निकलने वाली रथ यात्रा में लाखों लोग चमत्कारों का साक्षी बनने और आशीर्वाद पाने के लिए सम्मिलित होते हैं। मुराद पूरी करने वाला मुरादपुर का हनुमान मंदिर भी अनूठा है। उदयपुर के निकट स्थित इस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में बनी है। देवपुर का शिव मंदिर, कुरवई तहसील के पलिता गांव में मेघनाथ का पूजा जाना, पटवारी खिला के साके के श्याम, लटेरी तहसील में ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि मदागन इत्यादि यहां की सिद्धता का प्रमाण दे रहे हैं। टाइफाइड वाले बाबा के नाम से विख्यात ठाकुर बलदेव सिंह परिहार जैसे व्यक्ति आज भी अपनी सिद्धि से लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं इतना खामोश रहा समूचे दौर से निर्लिप्त, मेरा मुल्क इत्मीनान से रहे तो झाड़ता कविता से पल्ला मैं लकड़हारा बनूंगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी विदिशा अग्रणी रही है। साहित्यकार विजय बहादुर सिंह, गायक गंगा प्रसाद पाठक, कवि नरेंद्र जैन इनमें कुछ उल्लेखनीय प्रतिभाएं हैं जो विदिशा के नाम की खुशबू पूरे विश्व में बिखेर रहे हैं। बुंदेलखंड और मालवा दोनों ही से जुड़े विदिशा में इन क्षेत्रों की छाप साफ दिखती है। बहुचर्चित बुंदेलखंडी राय नृत्य यहाँ सागर और छतरपुर की तरह उतने ही उत्साह से किया जाता है।
मवेशियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हीरामन और काल देव का आह्वान करते हुए ढाक गाई जाती है। विदिशा की सांस्कृतिक धरोहर में एक अहम कड़ी है यहाँ की अनोखी 108 साल पुरानी रामलीला। सालाना 14 जनवरी से 20 फरवरी के बीच आयोजित होती आ रही है ये रामलीला। इस रामलीला पर हर वर्ष लगभग 68 लाख रुपए खर्च होते हैं। राज्य सरकार द्वारा मान्य इस चलित रामलीला का कामकाज देखने वालों में जिला अधिकारी, विधानसभा के प्रतिनिधि और नगर सेवक शामिल हैं। इस आयोजन की शुरुआत पंडित विश्वनाथ शास्त्री ने की थी। विदिशा में धर्म के मानने वालों ने सबसे पहले मानवता का धर्म अपनाया है। इसका प्रतीक है शहर के जिला चिकित्सालय में 1987 से चलाया जा रहा सार्वजनिक भोजनालय। रोगी और उसके साथियों को न मात्र शुल्क 1 रुपए में सम्मान भरपेट भोजन देना इस भोजनालय सेवा समिति का ध्येय है। पतित पावनी धरा अनुपम पग पग कला की छटा विहंगम काव्य पुराणों की सृजन भूमि यह है संपूर्ण भारत का दर्शन।